पहला डिकार्बोक्सिलेशन पढ़ा, दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। देखो यहां पर इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब तुम्हें सेल एनोड कैथोड पानी में मिलाना, ये सब कुछ तो कुछ समझ में आ रहा होगा ना, तो वाटर तो लोगे जरूर, सुनना ये लाइन, क्योंकि अब दूसरी बात अगर वाटर वाली याद रहेगी तो और रिएक्शन आसान हो जाएगी। अब होता क्या है, ये आर अपने फ्री रेडिकल बनाता है, ये आर अपने फ्री रेडिकल बनाता है और इस तरह से अपने आप को जोड़ लेता है। फिर दूसरा, यहां पर CO2 की वजह से, CO की वजह से CO2 का फॉर्मेशन होता है, फिर साथ में निकलता है तुम्हारा NaOH और साथ में निकलता है H2 गैस, इतने प्रोडक्ट होते हैं। उसमें से ये जो तुम्हारा है वो एनोड में निकलता है और ये जो वैल्यू है वो कहां निकलती है? कैथोड में। देखो अगर वाटर को तोड़ते हो तो H प्लस OH माइनस से तोड़ते हो क्या यार? अब तुमने दो आर सी डबल ओ ले लिए तो वाटर भी तुम्हें कितने लेने पड़ेंगे? दो, ये दो ओ एच और दो एच प्लस, बस एच प्लस ओ एच माइनस जो वाटर का लिखा करते थे हमने ओ एच माइनस एच प्लस लिख दिया। सुनना ध्यान से, जब ये तुम्हारा बांड है तो इसको तोड़ो तो क्या निकल क्या रहा है? दो है ना, तो क्या बनेगा? दो फ्री रेडिकल। फिर इसको ऐसे तोड़ो तो ये क्या निकल क्या रहा है? CO2। और ये जब O को Na के साथ मिलाते हो तो क्या निकल के आता है? 2NaOH और 2H+ आपस में मिलके क्या निकालेंगे? H2। समझ में आई कुछ? यानी कि आंसर देने का तरीका, एनोड कहते, ये सब पूछा जाता है इसमें, तो तुम्हें ये भी पूछा जाएगा अल्कलाइन नेचर ड्यू टू H2 गैस रिमूव इन कौन से इलेक्ट्रोड में, एनोड की कैथोड, सब पूछा जाएगा। तो उसी लिए पूरी कहानी ये सुनानी पड़ रही है और इसको दिमाग में बनवाया जा रहा है। अब ध्यान से सुनना, इन दो प्रोडक्ट को बांट दो ऐसे, दो को इधर दो को इधर। अब एनोड और कैथोड लिख दो, पहले क्या लिखोगे? एनोड, क्यों? ए अल्फाबेट पहले ए आता है, तो क्या लिखोगे यहां पर? एनोड। और बाद में इसको क्या लिखोगे? कैथोड। तुम्हारा काम हो गया, बोलो रिएक्शन समझ में आ गई क्या? बस तुम्हें समझना क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस के लिए वाटर लेना जरूरी है, हेडिंग जो चली है वो कार्बोक्सिलिक एसिड की चली है, आर सी डबल ओ एन ए लेना होता है और इसको तोड़ करके फ्री रेडिकल बनाओ। और ये तुम्हारा जो फ्री रेडिकल है, थोड़ी देर के लिए इसको हम एक चीज स्टेप और ऐड कर देते हैं, ये आर आर आपस जुड़ करके क्या बना लेंगे? एक एल्केन बना लेगा, ठीक है ना। और ये तुम्हारा कहाँ बन जाएगा सारा कुछ? ये एनोड में। कहाँ बनेगा? एनोड में। एक रिएक्शन भी सीख लो फिर नोट करना। जैसे मान लो सी एच थ्री सी एच टू सी ओ एन ए प्लस क्या ले लोगे? वाटर। अब ये तुम्हारे पास दो मोल और इसको भी कितना रखना है? दो मोल। अब जब दो मोल रखोगे तो अपने आप तुम्हें प्रोडक्ट समझ में आएगा। ध्यान से सुनना, जब ये यहां से पहले आर टूटेगा, पहले आर तोड़ना है, सीओ टू को अलग करना है, एन ए को अलग करना है, तो हमने ये काम कर दिया। और वाटर के लिए पहले क्या करोगे? क्योंकि एन ए को ओ एच के साथ मिलाना है तो ओ एच माइनस पहले कर दो, और कितने? दो, और साथ में टू एच प्लस, ऐसे तोड़ दो। अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, पहले ये फ्री रेडिकल बनेंगे, कितने फ्री रेडिकल बनेंगे? दो, सी एस थ्री सी एस टू फ्री रेडिकल। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि इस रिएक्शन में कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, है ना। तो अपना ध्यान रखना, ये दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना देंगे? बोलो, सी एस थ्री, और इसकी वजह से क्या निकलेगा? सी ओ टू, और इसकी वजह से क्या निकलेगा? एन ए ओ एच। और कितने सी ओ टू? दो। कितने एन ओ एच? दो। और एच टू कितना निकलेगा? एक। तो ये दोनों कहाँ बनेंगे? एनोड पे। और ये कहाँ बनेंगे? कैथोड पे। दुनिया रिएक्शन सीधी सीधी लिखेगी, हम नीचे की तरफ लिखेंगे नहीं, और प्रोडक्ट देंगे। अब रियल में प्रोडक्ट क्या दे दोगे? जो तुमने बनाया है लिख दो, और दो मोल CO2, दो मोल NaOH, एक मोल H2। बोलो सही है? बस लिख डालो, पहले इतना लिखो फिर आगे बढ़ो। देखो सब लोग, देखो तुमने ध्यान से देखो, यहां पर CO कितने हैं? दो। यहां पर एक था, लेकिन CO के पहले तो क्या करते थे? बांड को ब्रेक कर देते, यहां भी ब्रेक करोगे और यहां पर क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। और यहां पर भी क्या बनेगा? फ्री रेडिकल, क्योंकि यहीं पे फ्री रेडिकल बनाते थे। साथ में COO और CO के बाद भी तुम्हें क्या करते थे? बांड को ब्रेक कर देते थे। अब इधर तुम क्या करते थे? 2OH- plus 2H+ ले लेते थे और ये NaOH बना देता था। तो कहने का मतलब है कि जो तुम्हारा फ्री रेडिकल बनेगा वो बनेगा कौन सा? नीचे ही बना देते हैं ना पहले, तो इस तरीके से ये CH2 CH2 फ्री रेडिकल बनेगा,
जो कि कन्वर्ट कितनी देर कैसे हो जाएगा, आपस में फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेते हैं डबल बॉन्ड CH2 और ये साथ में क्या बन जाएगा बोलो CO2। तो इसको केवल हमने सिखा दिया, यानी कि प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को क्या लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बोलेंगे इसको, या इसी को क्या बोल सकते हो C2H4 मेथ-एथ-इथीन प्लस, कितने CO2 निकलेंगे दो, NaOH कितने निकलेंगे दो, और साथ में क्या निकलेगा H2। एनोड कैथोड तुम्हें पता है, नोट कर डालो। चलो कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, ये यहां से तोड़ो फिर रेडिकल यहां लगाओ और आगे हम जोड़े दे रहे हैं डायरेक्ट, अब CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 CO2 प्लस 2 यानी OH प्लस H2। यहां पर जब तोड़ोगे ये वाटर की प्रेजेंस होगी, तो पहले तो तुम लोग फ्री रेडिकल बना दो, एक फ्री रेडिकल यहां एक फ्री रेडिकल यहां, और साथ में जब ये जुड़ेगा तो इस तरह साइक्लो एल्कीन बन जाएगी, और साथ में क्या निकलेगा CO2 NaOH, ये दो दो मोल निकलेंगे और क्या निकल गए H2। और हाँ NaOH की जगह क्या लिखोगे KOH। ये जब लिया जाता है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस में तो क्या होता है, हाँ इससे H2 बन जाता है, देखना थोड़ा सा ये ऐसे टूट जाता है, तो ये क्या बना देता है H2 बना देता है, ये CO2 बना देता है, और ये क्या बना देगा NaOH, और साथ में एक क्या बन जाएगा H2, तो ये प्रोडक्ट होने लगेंगे यानी H2 प्लस CO2 प्लस NaOH प्लस H2 है ना, और इसी को तुम क्या लिख सकते हो बताओ 2H2 प्लस CO2 प्लस NaOH।